हेल्दी साइड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे करेला भुर्जी। सभी सदस्य करेला या फिर भरवा करेला या फिर कटा हुआ करेला जो राउंड सर्कल में बनाते हैं या फिर तला हुआ करेला, सभी प्रकार के आप बना के खाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे भुर्जी। करेले की भुर्जी कैसे बनती है, ये स्टैंड बनाते हैं इनका। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कोई नमक नहीं लगा कर रखना। करेले को काट कर छील कर सीधे करेले को छीलना है, धोना है और काटना है, और उसके बीच में से बीज निकाल देने हैं और छोटा छोटा काट लेना है पीस में। छोटा छोटा पीस आप उसी के अकॉर्डिंग काट सकते हैं जिस शेप में आपको पसंद है वो पीस। जैसे मैंने यहाँ पे राउंड शेप में काटा है, 20 से 2 किया है। ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार काट दिया है। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप वो काट सकते हैं। अगर आपने हेल्दी साइड को अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब या फॉलो करें और हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन और रेसिपी सबसे पहले प्राप्त करें। तो करेला भुर्जी बनाने के लिए जो हमको मेन सामग्री चाहिए होती है, पहले हम वो जान लेते हैं। ये देखिए हमारे पास करेले हैं कटे हुए, इनको हमने छील दिया, धो दिया, अंदर से बीज निकाल दिया, काट लिया है और फिर से धो लिया है। इसके में हमने कोई नमक नहीं लगा रखा है, बिल्कुल फ्रेश है ये करेला, देख लीजिए आप। इस प्रकार आप भी तैयार कर ले, छील कर काट कर। मेरे पास 2 बड़े टमाटर हैं, मैंने इनको काट दिया है छोटे छोटे पीसेस में, और ये मेरे पास 3 मीडियम प्याज हैं, क्योंकि इसमें मेन जो रोल होता है वो प्याज का होता है और जो सौंफ का मसाला होता है ना उसका रोल होता है। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये सौंफ और साबुत धनिया, जो धनिया होता है ना, इसको हमने मिक्स मसाला बना लिया है, दोनों को पीस लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है उसमें इस मसाले का, सौंफ और धनिए के और प्याज का, इन्हीं का इसमें टेस्ट आता है मेन। और दूसरा हमारे पास ये सरसों है, ये देख लीजिए सरसों इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें और नहीं डालना है तो ना डालें। आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। और इसमें मेरे पास 3 हरी मिर्च है, हरी मिर्च को मैंने बीच में से इस प्रकार काटा है, पूरा नहीं काटा है, आप भी इसी प्रकार काटें। ये जो मेरे पास लहसुन की कलियां है ना, ये मेरे पास 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं, मैंने इनको छील दिया और धो दिया और बीच में से मैंने इनको इस प्रकार कट लगाया है, आप भी इसी प्रकार कट लगाएं, पूरा इसको नहीं काटना है, क्योंकि इसमें जो है इसका फ्लेवर आता है करेले की भुर्जी में। तो जब इसको हम भूनेंगे ना और जो इसका बनने के बाद खाएंगे तो उसका मुंह में फ्लेवर आता है, इसी के लिए हमने इसको पूरा क्रश नहीं किया है। तो चलिए पहले हम इसमें तड़का लगाते हैं, और इसमें जो मेन मसाले होते हैं ना हमारे सभी सब्जियों के लिए, वही मसाले इसमें पड़ते हैं। और इसमें मैं सरसों के तेल में तड़का लगाऊंगी, अगर आप चाहें तो किसी भी रिफाइंड में, किसी भी ऑयल में या फिर किसी भी घी में तड़का लगा सकते हैं, अगर सरसों के तेल में तड़का लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी हम तड़का लगाते हैं। अभी ये मैंने पैन रख लिया है गर्म होने के लिए, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अभी ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। सरसों का तेल आप 2 से 3 चम्मच, जो होते हैं बड़े वाले जो चम्मच होते हैं 2 से 3 डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक अंदाजे से 2 बड़े चम्मच डाला है। अभी सबसे पहले इसको गर्म होने के बाद में जीरा सीड्स डालूंगी। अगर हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो सरसों का तेल डालने के बाद अच्छे से गर्म होना चाहिए वो, जैसे अभी देख रहे हैं ना इसमें ये फोक टाइप निकल रहा है, तो ये निकल जाना चाहिए, उसके बाद हम इसमें तड़का लगाते हैं। तो ये तभी होता है जब हम सरसों का तेल डालते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में क्या होता है, थोड़ा कच्चापन होता है। तो जैसे अभी ये फोक निकल गया पूरा, तो हम इसमें जीरा सीड्स डाल देते हैं। जीरा सीड्स के बाद आप इसमें जो हमारे पास सरसों है, तो सरसों थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि जैसे जीरा पटक रहा है उससे भी ज्यादा सरसों पटक कर ऊपर आता है। इसको अच्छे से हो जाने दें, फिर इसमें हम प्याज डालते हैं। अभी ये जैसे सरसों पटकी है ना, आप देख रहे होंगे ये इर्द गिर्द पड़ी हुए है सरसों, इस प्रकार ये पटकती है। अगर आपको जैसे ये सरसों मैंने डाली है तो आप सडन डालेंगे तो ऐसे ये पटकेगी, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर से जैसे सरसों डाल दिया इसके ऊपर से प्लेट ढक देना है इमीडिएट। जैसे मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे प्लेट नहीं ढका है, क्योंकि मैं प्लेट ढक देती तो आपको ये चीजें नहीं दिखती कि ये पटक कर कितना बाहर आता है। तो आपको डालने के बाद इंस्टेंट प्लेट ढक देनी है, वो फिर बाहर नहीं आएगा। तो अभी हम इसमें प्याज डाल देते हैं, पूरा ये भुन चुका है अच्छे से, तो अभी इसमें हम प्याज डाल देंगे। पूरा प्याज जितना हमने आपको बताया वो हम इसमें पूरा प्याज डालेंगे। हमने पूरा प्याज इसमें डाल दिया है, अभी प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इसको।
ये प्याज जैसे ब्राउन हो रहा है तो इसी में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लहसुन की कलियां हैं वो भी डाल देते हैं हम। ये भी प्याज के साथ साथ अच्छे से भुन जाएगी। जिन सदस्यों को लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो वो एक काम कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले सरसों के बाद प्याज डाला है तो आप पहले वो लहसुन डाल दें, लहसुन ब्राउन होने के बाद उसमें प्याज ऐड करें। मैंने प्याज के अंदर ही लहसुन ऐड किया है तो आप प्याज से पहले ऐड कर सकते हैं। अभी इनको प्याज को हम अच्छे से भुनने तक इसका वेट करेंगे कि अच्छे से भुन जाए। अभी ये प्याज अच्छे से भुन चुका है तो अभी मैं इसमें टमाटर जो कटे हुए हैं उसको ऐड कर देती हूँ। जैसे प्याज को हमने भुना है उसी प्रकार हम टमाटर को भी भूनेंगे ताकि अच्छे से भुन जाएं। इस सब्जी का बेनिफिट ये है कि इसमें पहले से कुछ भी तैयारी करके नहीं रखना है, अभी आप तुरंत काटें सारा सामान और भुर्जी बना लें। अभी टमाटर के साथ साथ मैं थोड़ा हींग भी ऐड कर देती हूँ। हींग आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। करेले की जो भुर्जी होती है ना, आप पूड़ी पराठा किसी के भी साथ खाएं, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अभी इसको अच्छे से 2 मिनट तक हम धीमी आंच पर भून लेते हैं। अभी टमाटर भुन चुके हैं, जो इसमें हम सूखे मसाले डालते हैं जैसे हल्दी मिर्च, वो सभी हम अब इसमें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला है इसमें और अभी मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च डाला है, चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये सब्जी थोड़ा स्पाइसी अच्छी लगती है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दूंगी। ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा गर्म मसाला है तो आधा चम्मच मैं इसमें गर्म मसाला डाल रही हूँ। और अभी मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक स्वाद अनुसार आप डालें और जो मेरे पास हरी मिर्च कटी हुई है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये थोड़ा सा मसाला डालने के बाद भुन जाए। अभी ये मसाला भुनकर तैयार है तो इसको हम साइड से रख देते हैं। अभी हम इस पे दूसरा एक पैन रखेंगे और थोड़ा सा इसमें फिर से हम सरसों का तेल डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड या कुछ भी डालें। इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे क्योंकि इसमें जो हमारे पास करेले हैं ना कटे हुए, वो हल्का सा हमने फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। जस्ट हमको थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद उसको भून लेना, जैसे हमने प्याज और टमाटर भुना है ना, तो वैसे ही हम करेले को भी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें हम करेले ऐड कर देते हैं। अभी जो ये तेल से जैसे पहले हमने थोड़ा फोक या धुआं निकाला था ना, उसी प्रकार इससे भी हमने निकाल दिया है। देख लीजिए अब पूरा धुआं इसका निकल चुका है। अभी हम इसमें करेले ऐड कर देते हैं। ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही हमें इनको भूनना है। इससे क्या होता है, जो इसका कड़वापन है, क्योंकि हम इमीडिएट काट कर इनको बना रहे हैं तो जो इसका कड़वापन है वो इसका निकल जाएगा। कई सदस्य क्या होते हैं कि जब करेले कड़वे लगते हैं ना तो वो खाते ही नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार करेले की भुर्जी बनाएं तो बहुत टेस्टी लगेगी, कड़वापन भी उसमें नहीं आएगा, आप उसको खा सकते हैं। कड़वे के कारण करेले ना छोड़े क्योंकि करेले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आप इस प्रकार भुर्जी बनाएं करेले की और खाएं। इस प्रकार ये भुन चुका है। हेल्थ को देखते हुए मैंने इसमें कम डाला है तेल, आप चाहें तो थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि थोड़ा सा जैसे ऑयली खाना पसंद करते हैं कई सदस्य, तो ये अच्छे से और भी अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ हल्का सा भूना है, फ्राई नहीं किया है। आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। देख लीजिए हेल्थ को देखते हुए मैंने इसमें ज्यादा तेल नहीं डाला है। अभी मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, ये जो हमारे पास मसाला है ना भुना हुआ, फिर से मैं उस गैस पे, गैस ऑन है उस पे मैं इसमें करेले ऐड कर दूंगी। अभी इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी
ताकि जो मसाले जो ड्राई मसाले डले हैं ना तो वो इस प्याज के इसमें करेलों में मिक्स हो जाए अच्छे से। जो इसमें ये ड्राई मसाले डाले हैं ना हमने, जैसे हल्दी मिर्च धनिया ये सब, तो क्या है वो करेले जो अभी डाले हैं हम इसमें अच्छे से समा जाए, इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी जो हमारे पास ये जो हमने बताया था सौंफ और धनिए का जो पाउडर है, तो इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसमें सौंफ की क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे इसमें मैंने लिया है 4 चम्मच सौंफ है मेरे पास जो मीडियम चम्मच होता है, और 2 चम्मच धनिया पाउडर है, सिर्फ यही सामग्री डाली है मैंने इसमें। इसको मैं पूरा इसमें डाल दूंगी, अभी इसको मैं अच्छे से इसको मिक्स करूंगी। अगर आप तेल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे करेले भूनने में हमने थोड़ा तेल का इस्तेमाल किया है, अगर आप तेल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो इस भुर्जी में पानी नहीं डलेगा। अगर तेल का इस्तेमाल कम करेंगे तो हल्का सा, जैसे अभी ये मिक्स हो चुका है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, सिर्फ 1/2 कप। पानी डालने के बाद मैं इसको धीमी आंच पे बनने दूंगी, और इसको ढकना नहीं है, इस सब्जी को हमें उबाल कर ही बनाना है। इस प्रकार जैसे ये अभी चल रहा है ऐसे ही इसको सब्जी को बनाना है, और बीच बीच में हमको इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे जले नहीं सब्जी। क्योंकि मेरे पास ये इतना पानी है, 1/2 कप पानी है, देख लीजिए ये यानी मेरे पास कटोरी में है, तो कटोरी में मैंने जस्ट इसको मेजर किया है कि 1/2 कप ये पानी है। अगर इसको ml में हम नापते हैं तो ये 100 ml पानी होगा, ये 100 ml पानी हम इसमें डाल देते हैं। अगर पानी कम रह जाए तो आप दोबारा भी उसमें ऐड कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि करेला थोड़ा कच्चा है तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए, तो आप हाथ से पानी का छिड़काव कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे ही बन जाती है ये सब्जी, लेकिन तेल कम डाला है उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया है। अभी हम इसको 2-2 मिनट में हिलाते रहेंगे, अभी इसको बनने देते हैं। ये 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है ये भुर्जी, अभी देख लीजिए आप बन चुकी है। तो इस प्रकार थोड़ा सा इसको, जैसे होता है ना करेले का पीस, इसको थोड़ा दबा कर देख लें, जैसे ये दब रहा है लेकिन पूरा कट नहीं रहा है ये दब, तो क्योंकि ये भुर्जी क्या होती है करेले की, खिली खिली अच्छी लगती है। अगर आपको ज्यादा गलानी है तो आप इसको माइक्रोवेव में भी रीकुकिंग कर सकते हैं, या फिर इसको इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देकर फिर से इसको बना सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि 2-3 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगी। लेकिन भुर्जी आप ऐसी बना के खाएंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि खिली खिली अच्छी लगती है। जब मुंह में इसका प्याज का लहसुन का और करेले का फ्लेवर आता है ना तो बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और खाने के लिए इसको सर्व करते हैं। इसको खाने के लिए हम अभी एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें। आपको न्यू से न्यू रेसिपीज हेल्दी साइट पे मिलेंगी, और हेल्थ से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे अभी भुर्जी बनकर तैयार है, तो जैसे इसमें टमाटर डला हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन करने के लिए कई सदस्य अमचूर डालते हैं और कई सदस्य अनारदाना डालते हैं, या फिर आज के मौसम में जो अभी कच्चा आम चला हुआ है जिसको कैरी बोलते हैं, तो वो भी इसमें काटकर छोटा छोटा पीसेस में डाल सकते हैं, सिर्फ खट्टा फ्लेवर देने के लिए। मैंने इसमें ज्यादा खट्टा फ्लेवर नहीं दिया है, क्योंकि टमाटर भी मैंने खट्टा नहीं डाला है इसमें। और आप चाहे तो इसमें अनारदाना आमचूर या फिर कटी हुई छोटा छोटा आम भी ये सब डाल सकते हैं, सिर्फ खट्टा फ्लेवर देने के लिए। इनमें से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला। ये भुर्जी बनकर तैयार है, अभी आप इसको खा सकते हैं। पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाएंगे तो ये स्वादिष्ट लगेगी। आप इस प्रकार भुर्जी बनाएं। ये भुर्जी को बनने में कम से कम 30 मिनट लगा है। चॉपिंग का टाइम अलग है, जो हमने सब्जी काट कर तैयार की थी उसका टाइम अलग है। इसको सिर्फ बनाने में यानी मतलब प्याज ये सब भूनने में, इसको पूरा करने में 30 मिनट्स लगा है। मतलब ये नहीं कि सोचना आपको कि करेले बनाने के लिए पहले 2 घंटे या 3 घंटे हमको चाहिए, छील कर रखना है, नमक लगा कर रखना है, ये सब इसमें नहीं करना है। आप तुरंत काटें और तुरंत बनाएं।